Let's start. Let's formally start. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear Inspector Inland Revenue Aspirant, this is Zahid Rasool Buraya, ACMA, APFA, LLB, and ex-Inspector of Federal Board of Revenue. Alhamdulillah, we have completed 3 batches of Inspector Inland Revenue, and today we are going to start the 4th batch of Inspector Inland Revenue. Thank you very much for you that you reposed confidence in us. So let's start a plan banaye ki kis tarah hum isko is jo batch hai isko leke chalenge. किस तरह हम जो है ना टाइम अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज कब कब एग्जाम हो, लेकिन एटलीस्ट आई बिलीव वी हैव एटलीस्ट 25 डेज एटलीस्ट. आगे चला जाए, कहाँ तक चला जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतने दिन हैं तो हम एक महीने का टारगेट लेके चलते हैं कि वी विल कंप्लीट इन वन मंथ. वन मंथ में हम कंप्लीट करें. वन मंथ में क्या कंप्लीट करना है? वन मंथ में हमने नंबर वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स एक्ट 1990, हम इससे स्टार्ट करेंगे. देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसको गो थ्रू करेंगे. देन फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, इसको पढ़ेंगे. देन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007, इसको पढ़ेंगे. आज ही स्टूडेंट आपका ही क्वेश्चन था कि सर व्हाई वी विल रीड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007. When we visit the syllabus of Inspector Inland Revenue, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है functions of FBR is included in your syllabus. शामिल है जी हमारे syllabus के अंदर. तो हमने वो कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से function मिलेंगे? Function जो है ना इसके अंदर लिखे हुए हैं. I believe section 4 जो है इसका वो list बना देता है कि ये वो function है जो FBR करेगा. That's why हम इसको. और फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म्स क्या है? व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 1947, एट दैट टाइम व्हाट वर द लॉज ऑफ टैक्सेशन अवेलेबल इन पाकिस्तान, व्हाट वाज द लॉज at that time enforced in Pakistan. वहां से लेकर अब तक का जर्नी है वो कैसे हुआ, क्योंकि रिफॉर्म्स की कब जरूरत पड़ती है? जब चीजें डेवलप हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, आपका जो सिस्टम है वो कन्वेंशनल है, उसको आपने स्टेट ऑफ द आर्ट पे लेके आना है. यही रिफॉर्म्स होती है ना, ताकि दुनिया के साथ मैच कर सकें. तो ये हम जब ये पढ़ रहे होंगे तो साथ साथ में ही डिस्कस करते जाएंगे. इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आप लोगों को खुद एड सेल्फ करना पड़ेगा, आप उसमें खुद जान डालेंगे, मेहनत करेंगे, हम लोग इसको लेके चलेंगे. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. इसका आपको पता है कि ये सारा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. वी विल नॉट लीव अ सिंगल सेक्शन, ना हम सेक्शन छोड़ेंगे, ना इसका हम शेड्यूल्स जो है वो छोड़ेंगे, और ना इसके चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना छोड़ेंगे. सबको कवर करना है. आई बिलीव एज पर माय एक्सपीरियंस बीइंग एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, वी वेंट थ्रू फ्रॉम द सेम प्रोसेस जस्ट 3 या 4 इयर्स अगो. 4 साल पहले हम इसी प्रोसेस के अंदर से गुजरे थे, जैसे आप लोग गुजर रहे हैं. तो ये सबसे भारी था. भारी मीन के वेट किसका ज़्यादा है पेपर के अंदर? तो जिसका वेट सबसे ज़्यादा है वो ये है. इसमें वेट फर्दर किस चीज़ का ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा वेट जो है वो टाइटल्स याद करने का. टाइटल मैं किसे कह रहा हूँ? क्या टाइटल? अ
अब हम देख लेते हैं, हम इसको छोड़ के अब हम इस पे आ गए और हम इसको पढ़ने लगे। सेल टैक्स एक्ट 1990 सेल्स टैक्स एक्ट को हम पढ़ने लगे। इसको पढ़ने से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें यार होगा क्या, इसमें सेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। एक्ट के अंदर सेक्शंस होंगे ना, तो इसमें मेरे मोहतरम सेक्शंस की जो टोटल तादाद है ना, कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, एनीबॉडी नोज कितने हैं? कोई 76 वाला भी है? हाँ, तो यही वो हो रहा होगा, 75 और 76 के फर्क से बच्चा पीछे आ रहा होगा और एक्यूरेट कहने वाला आगे जा रहा होगा। तो ये है 76। आप लोग लिख लें अपने पास, मैं हमेशा से इसमें बड़ा जोर देता हूँ। जब आज आप जाएं, आपने क्या करना है, आपने प्रिंट निकाल लेना है। किस चीज का? सेक्शंस के टाइटल्स का। आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, वो कहते हैं टाइटल क्या रखना है अकाउंट का। आप कहते हो जाहिद रसूल, मेरा नाम जाहिद रसूल है, मैं HBL जाता हूँ, HBL वालों को कहता हूँ मैंने अकाउंट ओपन करना है, वो मुझे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देते हैं, सबसे ऊपर टाइटल लिखा होता है। टाइटल क्या होता है? नाम है, क्या नाम रखना है या मेरा नाम क्या है, किस नाम से अकाउंट चलाना चाहते हो। 76 सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट, इनमें से हर सेक्शन का कुछ नाम है, कुछ टाइटल है। मोहतरम, आपने किसी एक टाइटल को भी नहीं छोड़ना, आपने मेमोराइज करना है हर टाइटल को। हर टाइटल को क्या करना है? मेमोराइज करना। फिर बात आ जाती है कि ये तो सेक्शंस हैं 76, तो सेक्शंस का कोई हेड है जिसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट है। लाइक क्लास 6 है, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 6 के अंदर फिर फर्दर सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस हैं सेल टैक्स एक्ट के, तो सेल टैक्स एक्ट के और सेक्शन के दरमियान कोई छत है, कोई दरमियान में चीज है, तो वो है चैप्टर्स। हर चैप्टर के अंदर एक या एक से ज्यादा सेक्शन है, सही। तो जब सेल टैक्स एक्ट के हम देखते हैं कि टोटल सेक्शंस कितने हैं, वो 76 हैं, तो चैप्टर कितने हैं? तो चैप्टर हैं जी, जब 10 ही हैं, 10 चैप्टर। पेपर में वो पूछ सकता है कि सेल टैक्स एक्ट 1990 कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे। तो आप क्या कहोगे? 10 चैप्टर है। अब इन 10 चैप्टर के अंदर ये 76 सेक्शन हैं, किसी चैप्टर के अंदर 5 होंगे, किसी के अंदर 8 होंगे, किसी के अंदर 10 होंगे। तो आपने याद रखना है कि चैप्टर कितने हैं और हर चैप्टर का एक टाइटल है। हर चैप्टर का क्या है? टाइटल। हर चैप्टर का नाम है, ठीक है। वो नाम आपने क्या करना है? आपने मेमोराइज करना है। अगर तो आप सीरियस, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, कि अब वाला बैच उन लोगों में नहीं आएगा कि जो कि द मोस्ट सीरियस थे, क्योंकि आवर फर्स्ट बैच स्टार्टेड ऑन 23 अगस्त 2021। अब मैं उनके रेगुलर एग्जाम ले रहा हूँ, ऐसी ही एग्जाम उनके एग्जाम ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम एग्जाम टिल फाइनल FPSC एग्जाम में उनके लेता रहूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ वो रिलेशनशिप था मॉनेटरी रिलेशनशिप के, मेरे उन्होंने फी दी, मैंने ली, मैंने पढ़ाया 150, बट मेरी एफिलिएशन है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है मेरे लिए प्राउड का बायस बने, और वो उसी वक्त बन पाएंगे जब मैं उन पर लगातार मेहनत करता रहूँगा। तो अभी तक वो मेरे साथ इन टच है और वो पेपर दे रहे हैं, और पेपर क्या होते हैं, वो हमने बनाए हुए हैं फॉर्म्स, वो उनको सेंड करते हैं, वो अटेम्प्ट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, वो खुद भी देख लेते हैं। तो सीरियस वाली बात तो थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन क्या अब हो नहीं सकता? तो ये मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ, हो सकता है, अभी भी हम इसको कैचअप कर सकते हैं अगर आप इरादा कर लें, अगर आप आज से इरादा कर लें कि यस आई विल डू दिस बाय ऑल मीन्स इंशाल्लाह, तो आप एफर्ट लगाना शुरू कर दें।
जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उस तरह बात मानते जाएं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हम एंड अप करेंगे तो आप अल्लाह के फजल से उन कैंडिडेट्स में शामिल होंगे जो कि इंटरव्यू में बैठे होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, ये मैंने दो रिक्वेस्ट कर दी है आपको, इसका प्रिंट मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इसका प्रिंट आपकी पॉकेट के अंदर होना चाहिए, आपकी पॉकेट के। ये टोटल, ये चैप्टर, ये टाइटल और तीसरी चीज मैं बताने लगा वो है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स, शेड्यूल क्या है? आप लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन लिखी है? किसी को एप्लीकेशन देनी हो या किसी को लेटर लिखना हो, कभी लिखा है? आप किसी को मैटर बता रहे होते हो ना कि मैंने फलां टाइम पे एक दरख्वास्त दी थी और आप लोगों ने उस पर अमल नहीं किया, अब मैं दोबारा खत लिख रहा हूँ, आप ये करते हो या नहीं करते? करते हो ना? या मैंने 10 दफा दरख्वास्तें लिख ली हैं लेकिन गवर्नमेंट को कोई असर ही नहीं हो रहा, तो आप एक 11वीं दरख्वास्त लिखते हो और 11वीं दरख्वास्त में पिछली 10 एप्लीकेशन का रेफरेंस देते हो और साथ में उनको अपनी पुरानी जो अब नहीं लिख रहे हो पुरानियों को साथ अटैच करते जाते हो, अपेंडिक्स 1, एनेक्सिया, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 करते हो, सेक्शन होता जाएगा, सेक्शन के अंदर कहा जाएगा कि फलां चीज अगर आपने देखनी है ना तो वो शेड्यूल में जाकर देख। मिसाल के तौर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कहेगा जी जब भी सेल होगी टैक्स लगेगा, जब भी सप्लाई होगी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई भी होगी पर टैक्स नहीं लगेगा, दूध हो गया, आटा हो गया, इस तरह की और बेसिक नेसेसिटीज हो गई, जब इनको बेचा जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। इस चीज को देखना अगर हमने हो कि किस सेक्शन में ये बात हो रही है, तो ये जो सेक्शन मैंने 76 आपको बताए हैं इनके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 13, ये कहता है कि किन पे सेल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये लिस्ट नहीं प्रोवाइड करता कि किस किस चीज पे, किस किस आइटम पे नहीं लगेगा। अगर आपने अब ये देखना हो ना कि वो आइटम्स कहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको यहाँ आना पड़ेगा शेड्यूल्स के अंदर, आप फिर शेड्यूल नंबर 6 देखोगे। अगर मैंने कोई भी आपको कहे कि यार फलां चीज पे टैक्स लगता है या नहीं लगता, खुली मिर्चें हैं, मिर्च समझते हैं ना जो खाना पकाने में इस्तेमाल होती हैं, आपसे कोई पूछता है कि यार मिर्च पे टैक्स लगता है या नहीं लगता सेल टैक्स, तो आप कैसे बताओगे? आपको यार एक शेड्यूल है सेल टैक्स में, शेड्यूल का नंबर 6 है, उसको हम खोल के पढ़ लेते हैं। अगर मिर्च का नाम उसके अंदर है तो जब मैं ये बेचूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा, अगर इसके अंदर नाम नहीं है तो फिर टैक्स लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये शेड्यूल जो है ये मदद करने के लिए बनाए गए हैं, समझाने के लिए बनाए गए हैं चीजों की जो कि सेक्शंस के अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कहने लगा हूं, ये है सेक्शन, शेड्यूल की तादाद है 13। अब मैं आपसे पूछता हूँ अशरफ, क्या आप बताओगे कि कितने सेक्शन है सेल टैक्स में? 76। क्या आप बताएंगे कि कितने चैप्टर हैं सेल टैक्स में? 10। क्या आप बताएंगे कितने शेड्यूल हैं सेल टैक्स के अंदर? 9 भी ठीक है, 13 भी ठीक है। अब आप कहोगे सर आप 9 और 13 में फर्क क्यों नहीं कर रहे? आप 9 भी ठीक कह रहे हो और 13 भी ठीक कह रहे हो, तो हम इस बात को समझने के लिए शेड्यूल को पढ़ ही ना लें, शेड्यूल के टाइटल देख ही ना लें, वो देख लें। और बिलीव करो कि आपको एक या दो नंबर जो 9 शेड्यूल में आपको बताने जा रहा हूँ या 13 बताने जा रहा हूँ इसमें जरूर आए, इसमें से वो जरूर पूछेगा कि क्या आप मुझे बता दोगे कि शेड्यूल 5 किसको डील करता है? यही एग्जामिनर कहेगा कि क्या आप मुझे बता दो कि शेड्यूल 5 किसको डील करता है, या वो कह देगा कि जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसके लिए शेड्यूल नंबर कौन सा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो जिसने इनको
टाइटल्स को याद किया होगा, इंशाल्लाह वो कंफर्टेबल होगा बताते हुए कि शेड्यूल नंबर 5 जो है वो जीरो रेटेड को डील करता है। सही, अब हम ना शेड्यूल को देख ही लेते हैं क्योंकि सेक्शंस, और अगेन आई रिपीट, यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं आ रहा क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ पे एक बच्चा डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होने के बाद रिकनेक्ट होना चाहता है, तो रिकनेक्ट होने के लिए उसको हमारी परमिशन की जरूरत होती है। सारे एडमिट हैं। अच्छा, तो अच्छा प्लीज नोट कर लें कि आप जब नेक्स्ट क्लास में आए ना जी, कैसे नाम है आपका? सैफुल्ला। तो सैफुल्ला आपने टाइटल्स का प्रिंट भी आपके पास होना चाहिए, आपकी पॉकेट में होना चाहिए। जब सेक्शंस का लोगे ना उसके अंदर ही चैप्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि देखो ना ये चैप्टर यहाँ नहीं आ रहा होगा, चैप्टर 10 है, लेट्स सपोज ये स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 5 से, तो सारे बाकी इसके अंदर इसका तो टाइटल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा ना। तो आपने सेक्शंस के सारे और शेड्यूल, शेड्यूल के आपने प्रिंट ले लेने हैं, और ये होंगे 4 पेजेस। ये 4 पेजेस आपने अपने पास रखने हैं, फोर पेजेस आपने अपने पास रखने टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ बागी दिनाव में भी जाके मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क कर रहे हो एग्जाम देने से पहले, तो वहां आपने बाहर निकालने हैं, वहां रखने, फिर पेपर देने चले जाने, प्लीज उसको अपने आप से लहदा लग लीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर से पहले, उसको अपने साथ अटैच रखें। और ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपको बहुत हेल्प करने जा रहा है। अच्छा, अगर मान लो कि यार ये याद करने से आपको 7 या 8 मार्क्स आ जाए, तो क्या 2 पेजेस से 7-8 मार्क्स आ जाए, आपने भी इतने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, तो क्या ये जो ये हम सौदा कर रहे हैं क्या माड़ा सौदा है? ये सब तगड़ा सौदा है यार, ये बड़ा हेल्पफुल है ये। तो अब हम ना इसको देख लेते हैं, फिर फर्दर मैं आपको इसकी सेल टैक्स एक्ट 1990 की हिस्ट्री बताता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त क्या था, और अब आज की डेट फ्राइडे है 26th है, 26 नवंबर 2021 को इसकी सूरत हाल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक कैसे पहुंचाइए। जब ये बना था ना सेल टैक्स एक्ट, शेड्यूल की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त आई बिलीव जब ये पैदा हुआ, पैदा होने की डेट लिख लें कि जब ये इनफोर्स हुआ, क्या ये अक्सर वो इस तरह पूछ लेता है कि बताओ कि सेल टैक्स एक्ट 1990 कब इनफोर्स हुआ। ठीक है, तो ये नवंबर याद रखिएगा कि नवंबर में हमने क्लास लेनी शुरू की थी, और नवंबर की पहली तारीख, सही, और ईयर तो आपको याद रहना ही है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल बंदा चीज जब याद रख जाता है कि मैंने बैच कब स्टार्ट किया था, मैंने बैच स्टार्ट किया था लेना 11वें महीने। ठीक है जी, तो सेल टैक्स एक्ट कब आया, आप लिख लोगे 11वां महीना पक्का कर लो, 11वें महीने की पहली तारीख, और साल था 1990। तो इस तरह आप जब लिंक्ड कर लेंगे ना, तो जब पेपर में आएगा तो आपको याद रहेगा। वो क्या करेगा, उसने इसी तरह खेलना है आपके साथ कि 1-10-1990 को आया, 1-9-1990 को आया, 1-8-1990 को आया, महीना बता दो कि एग्जैक्ट डेट क्या है जब ये इनफोर्स हुआ। तो आपके लिए आप लगी है कि आप इस महीने में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये ही याद रखिए कि जिस महीने में हमने क्लास स्टार्ट की थी बैच की, उस महीने की पहली तारीख को, और साल तो यही होगा, तो ये आ गया। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक MCQ दे दिया। जब ये पैदा हुआ, इस डेट को ओरिजिनेट हुआ, इनफोर्स हुआ इस डेट को, तो उस वक्त शेड्यूल कितने थे? आई बिलीव 7 शेड्यूल थे उस वक्त। शेड्यूल वही जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आज की डेट में अब जर्नी स्टार्ट हो गए यहां से लेकर, और आगे डेट आज की 26/11/2021, तो आज की डेट में सूरत हाल क्या है? आज की डेट में अगर टोटल देखा जाए ना, देर आर 13 शेड्यूल।
यहाँ पे पैदाइश हुई थी तो 7 थे, आज की डेट में टोटल तो 13 है, 4 की वफात हो चुकी है जिसको हम कहते हैं ओमिटेड। ओके है जी, तो एक्टिव कितने रह गए, 9 आर अलाइव एक्टिव, इनसे हेल्प ली जा रही है, जिसको यूज किया जा रहा है। आ रहे अच्छा पेपर में पूछ लेगा तो 9 रहेंगे 13 रहेंगे। अब देखो यार, लेट्स सपोज उसने पूछा, उसने 11 12 13 14, फिर आप कितने लिखोगे? सर वो 13 लिखेंगे। अब वो पूछ लेता है कि बताओ कि जिस तरह मेरे तरह का बंदा हो इस वक्त एक्टिव कितने हैं, फिर कितने लगाओगे? फिर 9 लगाएंगे। अच्छा अब मसला यहाँ पे आ गया कि जब दोनों डाल दें 9 10 11 और फिर एक 12 भी छोड़ के तेरा, यहाँ पे आ गई है बात। अब मैं आपको आंसर क्या दूँ, ठीक है? तो टोटल का वर्ड यूज करेगा तो आप 13 ले जाना, लाइव का यूज करेगा तो, क्योंकि देखो अब वी कांट रीड द मेंटेलिटी ऑफ द एग्जामिनर। सही, अब टोटल की बात है फिर तो 13 ही है, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है शेड्यूल नंबर 13 डील्स विद व्हाट मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो वो पूछे कितने टोटल है, हम कहेंगे 13 है, क्योंकि 13 अगर 9 कहेंगे तो 13वें पे क्या लिखा हुआ है, अगर है ही 9 तो 13वां क्या है, फिर आप क्यों कहते हो कि 13वां है? तो बस बेगन वहां पे अपना कॉमन सेंस यूज करना, अपनी एबिलिटीज को यूज करना कि क्वेश्चन पूछ किस तरह रहा है, मरोड़ किस तरह रहा है सवाल को, जिस तरह मरोड़ है होगा। देखो देर आर 4 ऑप्शंस, तो आप आपने क्या करना है, इलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, इलिमिनेट करना है कि जो सबसे इरेलेवेंट है उसे पहले बाहर निकाल दो। तो यूजली होता क्या है कि 4 में से 2 जो होते हैं ना वो आप फॉरन कह रहे हो यार ये नहीं हो सकते, ऐसे ही है ना, आपने बहुत से पेपर किए होंगे, पीछे रह जाते हैं 2 जो कन्फ्यूज कर रहे होते हैं, आप उस पर सोच लो। और अगर तो ये आगे 11 12 13 14 फिर तो परेशानी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आपको मैं बुक रिकमेंड कर देनी है, आपने उसमें पढ़ लेना, यही है सही। अब 9 और 13 का मुकाबला हो गया, टोटल कह रहे, तो मैं कहता हूँ कि 13 के साथ जाओ, क्योंकि 13 नंबर पे एक शेड्यूल का अभी मैं आपको बताने लगा हूँ टाइटल क्या है। सही अच्छा नहीं जी, हम ये मैं 1 जो लिख रहा हूँ ये शेड्यूल है, तो ये उनमें शामिल है जो कि ओमिटेड है। फिर मैं 2 की तरफ आ जाता हूँ, ये भी ओमिटेड है। फिर मैं 3 की तरफ आ जाता हूँ, तो ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि सेल टैक्स लगाता है रिटेल प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर लगाता है? रिटेल सेल टैक्स ऑन रिटेल प्राइस। अब क्या रिटेल प्राइस क्या होती है? रिटेल प्राइस एक ऐसी प्राइस है जो कि रिटेलर चार्ज करता है। अब रिटेलर कौन होता है? जो कि जिसने चीज लेके इस्तेमाल करनी होती है उसको बेचता है। मिसाल के तौर पर जो चीज इस्तेमाल करता है वो कौन होता है, उसको हम इंग्लिश में कह रहे थे कंज्यूमर है। जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है, जो इस्तेमाल करता है हम उसको उर्दू में कहें तो जो इस्तेमाल करता है, और इंग्लिश में कहें जो कंज्यूम करता है, और इंग्लिश में हम इसका नाम कंज्यूमर रख लेते हैं। तो कंज्यूमर को जो बेचता है ना, और उसके ऊपर रिटेल प्राइस होती है, तो सेल टैक्स रिटेल प्राइस के ऊपर को डील करने के लिए कौन सा शेड्यूल है? और यहाँ पे जो रेट लग रहा होता है वो स्टैंडर्ड रेट है। क्या है? स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट की परसेंटेज क्या है पाकिस्तान के अंदर? 17%। तो देखो इसमें क्या बना, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को उठा के ले आए। एक तो ये रिटेल प्राइस पे टैक्सेशन देख रहा होता है शेड्यूल 3, एक ये स्टैंडर्ड रेट के ऊपर टैक्सेशन कर रहा होता है, और पाकिस्तान में सेल टैक्स रेट कितना है? 17%। तो ये आपने इस तरह याद कर लिया। अब हम आ जाते हैं 4 नंबर पे, शेड्यूल नंबर 4। तो ये भी मोहतरम जो है जा चुके हैं, तो जहां पे मैं गलती कर रहा हूँ मुझे बता सकते हैं, ये क्या है दोबारा सोच लें इसके ऊपर, क्योंकि आई एम आल्सो अ वुमन बीइंग, ठीक है। ऑल्दो आई एम डूइंग द हार्ड वर्क, मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो फिर भी पॉसिबिलिटीज आते हैं। अच्छा तो यहाँ तक जाए ना, तो इस 4 तक पहुँचते पहुँचते 3 जा चुके हैं दुनिया से, सही ओमिट हो चुके हैं। 5वें पे आके ना
अभी जो जाने वाले हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी और रहने वालों की बढ़ती जाएगी। पांचवा किसको डील करता है? जीरो रेटेड से। तो क्या मैं आपको जीरो रेट साथ साथ ना बताता जाऊं कि जीरो रेट होता क्या है? हम जीरो रेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीरो रेट क्या होता है। जीरो रेट ये होता है कि जब चीज को फरोख्त किया जाए, चीज की बजाय हम सप्लाई कर लेते हैं। जब सेल टैक्स में ना बात जो वर्ड यूज होता है वो सप्लाई का ही होता है, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, बल्कि सेल का वर्ड भी यूज नहीं होता है। सेल्स टैक्स, सेल टैक्स एक्ट 1990, पर वर्ड यूज होता है सप्लाईज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सेल टैक्स ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसी बात हो रही होती है। ये नहीं होता सेल टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड शायद ही पूरे ये 76 सेक्शंस के अंदर कहीं पे पार्ट हो, ये तो बात यही हो रही होगी सप्लाई सप्लाई सप्लाई। मैं सप्लाई में बताऊंगा डेफिनेशन में जाकर कि सप्लाई होती क्या है। यहाँ पे जीरो रेट सिर्फ इतना सा समझ लो कि जीरो रेट ये होता है कि जब सप्लाई हो रही है, सप्लाई हो रही है मीन की चीज बिक रही है, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जा रही है, तो जो बेच रहा होता है, जो कि सप्लायर होता है, उसने टैक्स चार्ज करना होता है। टैक्स क्या करते हैं? जो टैक्स लगता है क्या उसे कहते हैं? टैक्स चार्ज करना कहते हैं। उसने करना है टैक्स चार्ज। मिसाल करते लेते हैं कि आप ये मार्कर बेच रहे हो 100 रुपए का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मार्कर उस लिस्ट में शामिल है जो कि शेड्यूल 3 के अंदर है। शेड्यूल 3 में रेट ऑफ टैक्स क्या है? स्टैंडर्ड रेट, वो कितने परसेंट है? हाँ 17% है ना, तो इस पे होना तो ये चाहिए कि 17% के हिसाब से 17 रुपए सेल टैक्स होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये जीरो रेट शेड्यूल कह रहा है कि जब सप्लाई होगी 100 रुपए की तो रेट ऑफ टैक्स 17 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 0%। और जब 0% होगा तो टैक्स आएगा 0, तो इसी 0-0 की वजह से इसे जीरो रेटेड कहा जाता है। जब ये वाली चीज बिकेगी, सेल होगी, सप्लाई होगी, उस वक्त टैक्स 0 होगा इसके ऊपर, तो इसकी जो इसी वजह से कहा गया कि वो जीरो रेटेड है। फर्दर जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको फर्दर बता दूंगा कि ये जीरो रेटेड की पीछे मंतर क्या है, लेकिन आपको पता चल जाएगा जीरो रेट है क्या। तो शेड्यूल 5 जीरो रेट को डील करता है। शेड्यूल 6 क्या ये एग्जेम्प्ट को डील करता है? ये कैमरा में देखिएगा जा रहा है ना वो, जो ताकि उनको भी नजर आए। हाँ दोनों में क्लियर है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब देखो सेल टैक्स कह रहा है कि जब चीज बिकेगी तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स ना लगे। एग्जेम्प्ट क्या क्या होता है? माफ है जिस पे आप किसी कहीं पे एडमिशन लेते हैं, लाइक आईसीएम में पाकिस्तान ले देते हैं जिसका मैं मेंबर हूं, आप कहते हो मैंने एमकॉम किया हुआ है, वो कहते हैं कि यार जो एमकॉम करके हमारे पास स्टूडेंट आता है ना उसको 9 पेपर एग्जेम्प्ट है। 9 पेपर क्या है? माफ है, वो ना दे, वो सीधा हमारा जो पार्ट 4 है उसमें एडमिशन ले ले, पहले 3 पार्ट है उसको माफ है। यहाँ पे एग्जाम सप्लाई का क्या मतलब कि ये जो टैक्स है ना, 0 रेट ना 17%, ये है ही सिरे से माफ। ये क्या है? सिरे से माफ है। तो जिन चीजों के ऊपर माफ है टैक्स, उनको देखना हो तो कहां से जाके देख लो? एग्जाम सप्लाई को। अभी एग्जेम्प्ट इसलिए की गई है ताकि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलते हैं। आप कहोगे सर वो कौन सी? दालें, चावल, आटा, और क्या हो सकता है? खुला दूध। ठीक है, तो अगर आपने और देखना हो गया और कौन सी है, तो आपके पास शेड्यूल 6 पड़ा है, क्लास के बाद देखो, आपको लिस्ट का पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें माफ है। गवर्नमेंट जिस चीज पे टैक्स लगाना चाहती है उस चीज को एग्जेम्प्ट सप्लाई में से काट देती है, उस पर कांटा लगा देती है। लाइक आज अगर गवर्नमेंट चाहे कि मैंने आटे पे टैक्स लगा, तो क्या वो शेड्यूल 6 में जो लिखा हुआ उस आटे का जो नाम लिखा हुआ उसको ओमिट कर देगी, वहां से डिलीट कर देगी। तो डिलीट होने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली टैक्स में आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हो गए शेड्यूल सिक्स और एग्जाम्प्ट का भी पता चल गया आपको। अब हम इधर लिख लेते हैं शेड्यूल सेवन, क्या ये फौत हो चुका है, ओमिट हो चुका है, ओमिटेड है। तो शेड्यूल सेवन ओमिट हो चुका है। शेड्यूल एट, शेड्यूल एट क्या है, ये डील करते हैं रिड्यूस्ड रेट। रिड्यूस रेट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है 17%। 17% से कम पे जब भी सेल टैक्स लगेगा वो रिड्यूस रेट होगा। स्टैंडर्ड से कम हो जाए तो वो रिड्यूस हो जाता है ना। तो यहाँ स्टैंडर्ड है हमारा 17%। 17% से कम जब भी टैक्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस रेट हो जाएगा। और आप रिड्यूस रेट 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। लाइक मिसाल मैं यहाँ पे भी आपको दे देता हूँ, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी वो आप पाकिस्तान से, बाहर से पाकिस्तान में लेके आते हैं तो उस पे रेट रिड्यूस रेट है। अब कितना है मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रिड्यूस रेट का मतलब समझ आ गया। जिस चीज पे देखना है कर, अच्छा इसमें हर चीज का नाम लिखा होगा, आगे टैक्स लिखा होगा, इस पे इतनी परसेंट है। नो, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज द रेट्स। हाँ ये याद करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट क्या है, आप ये छोड़ दो। हाँ शेड्यूल के अंदर जाके हर चीज का अलहदा से रेट है तो वो नहीं याद करना। जैसे आपने अभी पूछा ये एग्रीकल्चर जो इस तरह नहीं करेगा, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह नहीं करेगा, इस तरह वो कभी भी नहीं करेगा। और 210 नंबर पेज पे जाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ, ठहरो एक मिनट प्लीज। अच्छा आठवां शेड्यूल है जी। अब देखो ना वो कह रहे ऑयल सीड्स जो है, जो ऑयल के जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं, बीज अगर बिकेंगे तो 5% रेट होगा। प्लांट और मशीनरी नॉट मैन्युफैक्चर लोकली पाकिस्तान से बाहर से अभी 10% है। ये तो लंबी लिस्ट है। दही बिकेगा 10% होगा, चीज बिकेगा 10% होगा, क्रीम बिकेगी 10% होगा, देसी घी बिकेगा 10% होगा, रिटेल पैकिंग और ऊपर स्टिकर लगा के, ठीक है। कोयटा के हैं वो नजर मजारी आई थी, वो यहाँ FC के बड़े हुए हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा चला रहा है आजकल ये ऑर्गेनिक फूड को। हमारी एज का है, हमारा दोस्त भी है और चिल्टन प्योर के नाम से कारोबार कर रहे हैं और बहुत आगे हो इस एज में। अच्छा तो फिर आगे री इम्पोर्टेशन 5%। तो आप शेड्यूल देखोगे तो ये लंबी लिस्ट है, कैसे करोगे आप, जिन हो नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। देखो ये इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये इतने रेट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और ना हमसे पूछे गए थे ना हमसे पहले वाले बैच से पूछे जा रहे हैं। अगर कोई पूछेगा तो वो इनह्यूमन एक्ट करेगा, ज्यादती करेगा वो, तो ज्यादती करेगा तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा कि सबके साथ ज्यादती होगी और फिर पेपर 100 नंबर का नहीं रहेगा, जितने नंबर की उसने ज्यादती की होगी पेपर उतने नंबर का हो जाएगा। लाइक उसने 3 रेट पूछ लिया अंदर से जाके, ठीक है। तो अभी किसको पता है यार पनीर पे कितना है, बीजों पे कितना है, ऑयल पे कितना है, यार ये तो प्रैक्टिशियर जो कर रहा होता है उसे नहीं पता होता। वो जब आता है क्लाइंट आता है वो कहता है, हम पूछते हैं कि आप किस चीज में डील कर रहे हैं, तो इस चीज में हम देखते हैं फिर उसको निकाल के शेड्यूल के अंदर, फिर एग्जाम्प्ट में आ रहा है, रिड्यूस में आ रहा है, स्टैंडर्ड में आ रहा है, फिर हम उसे कहते हैं कि आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये मैंने आपको टच दे दिया, अब हम वापस आ जाते हैं वहां पे रिड्यूस रेट के बाद। 9 13 शेड्यूल भी तो पूरे करने हैं ना, तो 9वां शेड्यूल किससे बात, किसको डील कर रहा है, मोबाइल और सैटेलाइट फोन, किसको, मोबाइल और सैटेलाइट फोन। ठीक है, तो अच्छा तो 9 नंबर शेड्यूल जो है
ये मोबाइल फोन और सैटेलाइट फोन ये आपने मेमोराइज करने हैं, मोबाइल एंड सैटेलाइट, ठीक है। और 10 ये जो बट्ठे वाले नहीं होते, ईंटे बनाने वाले होते हैं, ब्रिक्स, तो 10 नंबर डील कर रहा है ब्रिक्स। ये बता देगा कि जो भट्टा किस जगह पे है, तो उसके कितना टैक्स है, भट्टा इस्लामाबाद में है। ब्रिक मेकर जो होते हैं, अगर आप भट्टा को पंजाबी में नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो ईंटे बनाने वाले हैं, ठीक है, तो ईंटे बनाने वालों को अगर सेल टैक्स देखना है कि कहाँ पे लगेगा, तो कहाँ चेक करोगे आप, रूल नंबर 10 में, इज इट विजिबल, यस सर, ओके। हाँ, तो और इसके बाद क्या रह गया, 11, 12, 13। 11 किसको डील करता है जी? चलो मैं बताता हूँ, 11 डील करता है विद होल्डिंग को। किसको? विद होल्डिंग। अब आप कहेंगे सर ये विद होल्डिंग क्या है? मिसाल के तौर पर आप खरीदार हैं, आप क्या हैं? खरीदार, आप परचेज कर रहे हैं, मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा 100 रुपये जी मेरी जो मैं प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ उसके हैं, और 17% टैक्स बनता है, तो 17 और 100 मुझे 117 रुपये आप दे दें, ठीक है। 17 रुपये टैक्स दे दिए और 100 रुपये मुझे वैल्यू दे दी, ये मेरे अपने हैं, 17 रुपये मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने FBR को जमा करवाने हैं। विदहोल्डिंग क्या हुआ? खरीदार जो है वो जब टैक्स की अमाउंट पे कर रहा होगा तो वो सेलर को नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, होल्ड कर लेगा अपने पास, अपने पास रख लेगा, अपने पास क्या करेगा, रख लेगा, और वो क्या करेगा, वो FBR को जमा करवा देगा। तो खरीदार ने विदहोल्ड कर लिया, खरीदार ने क्या किया, विदहोल्ड कर लिया, और विदहोल्ड करके FBR को जमा करवा दिया। तो ये शेड्यूल नंबर 11 ये है विद होल्डिंग। और आई वाज आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू अबाउट विद होल्डिंग कि क्या है जी विद होल्डिंग, तो सिर्फ रट्टे से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कहते सर आप कॉन्सेप्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रैमिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, इफ यू विल डू बोथ ऑफ दिस थिंग then you can think to pass the paper and clear the interview. Maybe sirf cramming ke saath aap jo hurdle hai iski examination ki wo aap paar kar liye, aage wo jo commissioner indian revenue aayenge jo routine mein baatein ho rahi hoti hain wo poochenge, तो उनको क्या पता है, उनको इन्हीं चीजों का तो पता होता है कि विदहोल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, रिकवरी हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। कौन सा सेक्शन डील करते हैं विदहोल्डिंग को, ठीक है, ऑडिट मैंने करना है किस सेक्शन में मैंने करना है, रिटर्न सबमिट होती है किस सेक्शन में होती है, अगर आपने रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उसमें आगे बढ़वाना है तो किस सेक्शन में जाके कहना है हमें, मैं आपको शो कॉज नोटिस करूंगा तो किस सेक्शन में करूंगा, कोई इस तरह की चीजें पूछ रहे हो, तो अल्लाह करे ये पास हो जाए तो फिर हम आगे जाके उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं मैंने तो उनके साथ कमिटमेंट की हुई है कि इंशाल्लाह, मैंने उनको कहा है कि आई विल बी विद यू इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी रखी है, अल्लाह करम करे, तो हम उनको तैयारी करवाएंगे, इसकी भी इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे हम। और ये पहले बैच वालों के साथ हैं जिन्होंने 15,000 दिया हुआ है, उनकी फ्री तैयारी होगी बगैर किसी पैसे। तो ये 11वें का पता चल गया किसको डील करता है, विद होल्डिंग। अब 12वें पे आ जाओ, यही लिख देते हैं कि 12वां क्या है जी, एनीवन, मैं बताता हूं, मिनिमम वैल्यू एडिशन, मिनिमम वैल्यू एडिशन इसको डील करता है ये, मिनिमम, इज इट विजिबल अगेन, मिनिमम वैल्यू एडिशन,
जी अब आपको तो नहीं पता होगा बिकॉज यू पीपल आर नॉट इन प्रैक्टिस, क्योंकि मिनिमम कम से कम, ये तो मिनिमम का वर्ड तो आपको समझ है कि मिनिमम कम से कम वैल्यू कदर एडिशन बढ़ाना, कम से कम कितनी कदर बढ़ाएगा, इसको समझाता हूं। देखो ये बेसिकली एफबीआर ने इंपोर्टर को काबू करने के लिए लगाया। इंपोर्टर अगर लेट्स सपोज के यहाँ बात फिर हम कर लेते हैं, चलो एक लाख वो तो छोटा सा, 100 रुपए का इंपोर्ट क्या करना है, हम एक लाख से कर लेंगे, ये भी छोटी है बट चलो कर लेते हैं। एक लाख की उसने वैल्यू की इंपोर्ट की, वो कहते हैं जब तुम बेचोगे ना खरीद के, तुमने इंपोर्ट क्या होता है पाकिस्तान से, बाहर से पाकिस्तान में लेके आना, इस अमल को क्या कहते हैं इंपोर्ट करने का अमल, कहते हैं इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड मशीन है, वो क्या पाकिस्तान से बाहर से आई हुई है, उसने इंपोर्ट की एक लाख की। अब कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन, कम अज कम कितना इसमें आप ऐड करके फिर बेचोगे, लाइक कम अज कम आप इसको 1,03,000 की बेचोगे, ये है मिनिमम वैल्यू एडिशन। 3% कम अज कम कितनी वैल्यू एडिशन करोगे, 3%। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 1,00,000 की खरीदी है, इंपोर्ट करवाई है, मैं 1,99,000 रुपए की बेच रहा हूं, सिर्फ 99 रुपीज मैंने वैल्यू एडिशन किया, नो, उन्होंने कम अज कम 3% वैल्यू एडिशन करोगे। तो ये है वो, अगर ये शेड्यूल नंबर 12 हमने ये लिखा मिनिमम वैल्यू एडिशन। अब आखिरी शेड्यूल पे आ जाते हैं, और आखिरी शेड्यूल का नाम क्या है जी, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील। देखो चीजें इवॉल्व कर रही होती हैं, नई नई चीजें सामने आ रही होती हैं, लोग किसी और तरीके से टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, एफबीआर किसी और तरीके से लगाने की कोशिश करता है। कल आप जब इंस्पेक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, आप में से डेफिनेटली बनेंगे, जो जो कोशिश कर रहे हैं उन्हीं में से अल्लाह ताला ने कामयाब करना है, जो कोशिश नहीं कर रहा तो उसको तो अल्लाह ताला कामयाब नहीं करेंगे ना। तो अब हम आज तो जब साल का एंड हो रहा होता है, बजट की प्रपोजल जानी होती है, तो आपका चीफ मिनिस्टर बुला के कहता है, जो अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर हैं पढ़े लिखे, उनको कहते हैं यार मुझे कुछ सजेशन तो दो कि किस तरह हम रेवेन्यू में एडिशन कर सकते हैं, वो लॉजिकल हो, जस्टिफाइड हो, रीजनेबल हो, मुझे ऐसी बातें बताओ, मुझे एक दो पेजेस लिख के दे दो। वो क्यों मांग रहा होता है, क्योंकि उससे कौन मांग रहा होता है, मेंबर पुलिस ही मांग रहा होता है, मेंबर पुलिस ही क्यों मांग रहा होता है, चेयरमैन एफबीआर कह रहा होता है, चेयरमैन एफबीआर क्यों मांग रहा होता है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा होता है, बताओ यार कि कैसे, और फाइनेंस मिनिस्टर को पीछे सारे अदारे जिन्होंने गवर्नमेंट फंड इकट्ठा करना है तो चलना है, वो कह रहे होते हैं, जिसमें आर्मी भी शामिल है, जिसमें अदर सारे शामिल, क्योंकि पैसा आवाम से इकट्ठा होके वहां तक पहुंचेगा तो सिस्टम चलेगा ना, हेल्थ पे खर्चा तभी लगेगा, एजुकेशन पे फिर लगेगा, डिफेंस पे फिर लगेगा, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी अयाशियां भी तभी चलेंगी ना, जब जब गरीब आवाम जो है वो पैसा देंगे, ऐसे ही होगा, और ये इसी तरह चलता ही रहे। सही, जब आप जाएंगे तो आपके सामने बड़ी इरोनिक किस्म की सिचुएशंस आएंगी कि ये हो क्या रहा है यार, कि ये चीजें हो क्या रही हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं टैक्स देते नहीं, ठीक है, और जो गरीब आदमी है जो कि लेस लेबर है वो 1,000 रुपए की दिहाड़ी लगा के जाता है, उस पर भी उतना ही सेल टैक्स लगता है, और जिसको पता ही नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, जो अपने जो उनके स्विमिंग पूल हैं जहाँ पे वो नहाते हैं मोहतरम लोग हमारे बड़े जो हैं, उसको गर्म करने के लिए, पानी गर्म रखने के लिए 14-15 लाख 20 लाख का महाना बिल आ जाता है उनका, किस वजह से आए, पानी हर वक्त गर्म होना चाहिए पूल का, क्या होना चाहिए, पानी गर्म होना चाहिए ताकि जब दिल करे हम जाके नहाए, हम लोग टब नहीं गर्म कर सकते पानी का नहाने के लिए, वो क्या गर्म रखते हैं, स्विमिंग पूल गर्म रखना चाहिए हर वक्त, मैं विटनेस हूं, मुझे पता है जिनका ये बिल आता है, ठीक है यार घर का बिल, ये तो बड़ी फैक्ट्री का बिल होना चाहिए, पता चला जी इसके अंदर वो क्या करते हैं, स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, कहा कि बेटे ने बेटी ने, तो इसलिए उन्होंने
कहते हैं कि जब भी आए पानी गर्म होना चाहिए इसके अंदर, लेकिन टैक्स उनसे पूछ लो तो वो कहेंगे कि हमने 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 10 ACMA और 10 अलग किस्म के वकील रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं कि टैक्स बचाना है। और फिर एक इंस्पेक्टर उनसे मुकाबला करता है, और क्या करेगा बेचारा मुकाबला कि जिसके पास उस तरह के 500 बंदे होंगे, जिसके साथ फौज है 30-40 बंदों की जो टैक्स बचाने के लिए लगी हुई है, तो वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है, तो हाँ, तो अब हम आ जाते हैं कि वो बात शुरू हुई थी कि किस तरह हो रहा होता। अब आ गया शेड्यूल नंबर 13 और ये आखिरी शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल में क्या होता है डियर एस्पायरेंट्स, इसमें ये होता है कि मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ये उन्होंने इस तरह किया कि किसी नीचे से सोच जाती है अक्सर जो सोचता है बंदा, कि जिस तरह मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उससे लेकर बात चलती जाती है, पूछते रहते हैं और एंड इंस्पेक्टर या और कोई इनपुट दे रहा होता है। तो इनपुट आई कि स्टील प्रोडक्शन वाले हैं ना, ये अपनी प्रोडक्शन को कम शो करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 टन बनाया है ना, तो क्या कहते हैं, हमने सिर्फ 1 टन पैदा किया और टैक्स हमसे 1 टन के हिसाब से ले रहे, 1 टन बनाया हमने बेच दिया उस पर टैक्स ले लो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, कि आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा बिजली यूज करते हो, अगर बिजली का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट, आगे मुझे नहीं यार, मैं आई एम नॉट एन इंजीनियर कि मैं आपको बता दूं कितनी बिजली यूज होगी, तो इतना है, लेकिन उसको इस मैकेनिज्म पे लेके गए कि अगर तुमने इतनी क्वांटिटी, इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिए, तो समझ आ जाएगा कि कम अज कम तुमने इतना स्टील जरूर बनाया है। वो कह नहीं मैंने नहीं बनाया, तो बिजली इस्तेमाल होगी, हमने कहना तुमने बनाया, दैट्स इट। हम हर स्टील प्रोडक्शन वाले के पास एक इंस्पेक्टर नहीं बैठा सकते, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो हमें 5 लाख या जितने भी फैक्ट्रियां हैं उतने इंस्पेक्टर लाने पड़ेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतने तो अफोर्ड नहीं कर सकती। ये तो बड़े अरसे के बाद, ये बैच 16 अरसे के बाद का पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के इस तरह थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंस्पेक्टर लिए गए 16 में, फिर 18 में लिए गए, और होपफुली आप लोग शायद 22 में या 23 में चले जाए इंस्पेक्टर बन के, ठीक है। तो ये तीसरी दफा हो रहा है, तो हर एक के ऊपर नहीं बैठाया जा सकता। तो बिजली वाले जो हैं, आपने अगर इतनी बिजली इस्तेमाल कर ली, इतने यूनिट्स किलोवाट पर आ रही जो कुछ भी है, तो समझा जाएगा कि आपने इतना स्टील प्रोड्यूस कर लिया, और आपने इतना स्टील प्रोड्यूस कर लिया तो इतना टैक्स दे, ये उनको पकड़ने की कोशिश की गई। तो डेट वाज ऑल अबाउट 13 शेड्यूल्स 13 शेड्यूल्स, इनको वो इस वन बाई वी विल आज, चलो आज पहली क्लास है बेसिकली, हम जो हमारी यहाँ पे है कि हम लिखते जाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द क्लास हम उसको सेटल कर लेते हैं। बट एनी हो, अब आप पूछो कि शेड्यूल इसको सेपरेट क्यों रखा गया, मतलब जो मिनिमम वैल्यूडेशन है उसमें क्यों इसको ऐड किया गया? उसको मैंने आपको थोड़ी शेयर की थी कि मिनिमम वैल्यू एडिशन, वो बेसिकली उन्होंने इम्पोर्ट वालों के उसको ज़्यादा हिट करने की कोशिश की, कि जो इम्पोर्टर है हम उसको कहते हैं कि इम्पोर्ट तुम 1 लाख की कर रहे हो 100,000 की, तो इस तरह करो कि कम अज कम कटो कट कितना 3% जो है ना आप वैल्यूएशन कर लो, तो चीज़ें ओके चल रही हैं। 3% फिक्स है या फिर सेपरेट, मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे भी है कि उन्होंने बता दिया कितने यूनिट कितनी प्रोडक्शन, इतने यूनिट इतनी प्रोडक्शन, सही। तो आई बिलीव कि यू शुड बी हैप्पी विद द 13 शेड्यूल्स, जी सर, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त सेल टैक्स एक्ट क्या था और आज की डेट में ये कैसे बना। तो अब हमने 3 चीजें पढ़ी सिर्फ इसके बारे में, हमने पढ़ा कि सेक्शन कितने हैं, हमने पढ़ा इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, और हमने पढ़ा कि इसके अंदर शेड्यूल कितने हैं, और शेड्यूल के हमने नामों को समझा, और फिर उनको उन नामों की वजूहत क्या है और क्या उसके अंदर है वो हमने देख लिया,
और फर्दर हमें जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड रेट के अंदर अगर 50 चीजें हैं जिनके ऊपर 17% के हिसाब से लगेगा तो हम वो याद करें। हमें जरूरत नहीं है कि रिड्यूस रेट जो है शेड्यूल 8 के अंदर 70 पेजेस हैं या 50 पेजेस हैं तो हर पेज के ऊपर जाके याद करें कि फलां चीज का टूथपेस्ट पे कितना लग रहा है, ठीक है ब्रश पे कितना लग रहा है, फलां दाल पे कितना लग रहा है, फलां चावल पे। क्योंकि आप देखो कमोडिटीज जो आइटम्स हैं बाजार में, देखो एक दुकान के अंदर कितनी तादाद में पड़ी होती है, क्योंकि आप याद कर सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज रेट का नहीं, बस पता है कि जी आपको पूछेगा पेपर में कि कौन सा शेड्यूल रिड्यूस रेट को डील करता है तो आप बता दोगे ये शेड्यूल डील करता है। अच्छा अच्छा यार लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स गो बैक इन द हिस्ट्री, व्हाट हैपेंड इन 1947। Definitely, our beloved country Pakistan came into being when 14th of August 1947. क्या उस वक्त सेल टैक्स था? क्या था उस वक्त सेल टैक्स? जी नहीं अशरफ नहीं। आप इसको इस तरह पढ़ो कि सेल टैक्स था लेकिन सूबों को इख्तियार था, और किन सूबों में था? दो प्रोविंसेस में। एंड कौन से दो प्रोविंसेस में? पंजाब, पंजाब एंड सेकंड वन सिंध। उस वक्त क्या था? सिर्फ दो प्रोविंसेस में था और वो था पंजाब और फिर सिंध। फिर क्या हुआ कि पैसों की जरूरत थी और सबसे आसान तरीका होता है कि सेल टैक्स के थ्रू लोगों की जेब से पैसा निकाल दो। जैसे आप देखो ना, आप पेट्रोल लेने चले जाओ, उसमें पेट्रोल लेवी लग जाए, सेल टैक्स लग जाए, ऑटोमेटिकली जितना आपने लेना है उस हिसाब से आपके टैक्स चले जाना है, ऐसे ही होना है ना। और क्या हो सकता है, आप बेकरी पे कुछ जूस लेने चले जाते हो, जूस तो आपने लेना ही लेना है, तो जो जूस बेच रहा है उसको गवर्नमेंट ने सेल टैक्स एक्ट के थ्रू कह दी कि जब इस जूस बेचोगे उस पर इस परसेंटेज के साथ हमारे लिए भी पैसा इकट्ठा कर लेना, ऑटोमेटिकली आपको जूस महंगा मिल जाएगा, आप कंज्यूम करोगे तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि टैक्सेस की दो इकसाम होती है। क्या होते हैं? एक डायरेक्ट और एक क्या? इनडायरेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपने मुझे याद करवाना है कि सर इसके बारे में हमें बताते हैं, हिस्ट्री को हम चलाते हैं, लेकिन ये याद रखना कि डायरेक्ट क्या होता है। अगर आपको इंटरव्यूअर्स कमिश्नर साहब जो पैनल बनेगा उसमें एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, जिसे डीआर कहा जाता है, तो डीआर आपसे इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि जेंटलमैन क्या आपको पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या आपको पता है इनडायरेक्ट क्या होता है, कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैन यू एग्जाम्पलीफाई द डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये पूछता है। ठीक है, तो आपने ये हम हिस्ट्री को लें और फिर इसको आज के एक लेक्चर के एंड के ऊपर हम इसको कर लेंगे। अच्छा, हिस्ट्री 1947 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, एट दैट टाइम सेल टैक्स वाज इंफोर्स्ड ओनली इन टू प्रोविंसेस एंड दोज वर पंजाब एंड सिंध, और पंजाब और सिंध अपना लगा रहे थे, सेंटर का कोई रोल नहीं था। सेंटर मीन फेडरल, फेडरल गवर्नमेंट का, क्योंकि दो गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे स्टेटें हैं, स्टेट्स हैं, रियासत है वहां पे, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह करके ना वहां पे, तो वहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट और फिर वो कहते हैं सेंटर, दिल्ली गवर्नमेंट। तो जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी वर्ड क्या यूज हो रहा था?
सेंटर का और स्टेट और प्रोवेंस स्टेट का, तो उस वक्त ये अपने सेल टैक्स लगा रही थी और बाकी नहीं लगा रही थी। तो 1948 में एक इन्होंने जनरल सेल टैक्स एक्ट 1948 वो लगाया। ठीक है, जनरल सेल टैक्स एक्ट 1948 लेके आए और इसमें फिर इन्होंने क्या किया कि सेंटर के पास इख्तियार लेके आए, लेकिन परमानेंटली नहीं आया। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ किस साल में ये परमानेंटली आ गया। काम चला आगे बढ़ा तो 1951 एक ईयर आया। 1951 में क्या आया, सेल्स टैक्स एक्ट 1951 आ गया। टैक्स एक्ट 1951 आ गया और ये मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के साथ 1990 तक जारी रहा। मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के साथ 1990 तक जारी रहा। तो यहां पे कोई ना 1952 कब 1952 में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने परमानेंटली प्रोवेंसेस से उठा के सेल टैक्स जो है वो सेंटर में लेके आ गए, सेंटर में लेके आ गए, यहां पे लेके आ गए। तो 1948 में जनरल सेल टैक्स, लेकिन जो जो भी मैकेनिज्म था वो आरसी था, दैट वाज टेंपरेरी। ठीक है, बट 1952 परमानेंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे। और इसकी जो खास बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, वो एक होता था लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और लाइसेंस्ड होलसेलर का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। क्या लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और लाइसेंस्ड होलसेलर, क्योंकि लाइसेंस्ड बनाए होंगे उस वक्त इन्होंने, तो जो रजिस्टर्ड हो जाता था इस तरह का उसको लाइसेंस को इश्यू करते होंगे। ये लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और लाइसेंस्ड होलसेलर है। इसका मेजर फीचर क्या थी कि जब भी एक लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या एक लाइसेंस्ड होलसेलर दूसरे लाइसेंस मैन्युफैक्चरर या लाइसेंस होलसेलर के दरमियान आपस में खरीदारी या फरोख्त करेंगे तो कोई सेल टैक्स नहीं होगा। ये एक मेजर खसूसियत थी। ठीक है, लेकिन जब भी ये अनलाइसेंस्ड को सेल करेंगे तो फिर क्या होगा, सेल टैक्स होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस वक्त किन गुड्स के ऊपर लगता था ये, एक्साइजेबल गुड्स। कौन सी जी, कौन सी जी, एक्साइजेबल। अब आप कहेंगे सर आपने इतना बता रहे हैं तो एक्साइजेबल गुड्स का भी थोड़ा सा इसको भी इनलाइटन करते जाएं। हर वो चीज जिसकी गवर्नमेंट कंजम्पशन कम करना चाहती है उसको क्या कहा जाता है, एक्साइजेबल। हर वो चीज जिसकी कंजम्पशन जिसकी इस्तेमाल कम करना चाहती है, गवर्नमेंट सिगरेट का इस्तेमाल कम करना चाहती है, गवर्नमेंट बेवरेजेस का इस्तेमाल कम करना चाहती है, गवर्नमेंट सिगार का इस्तेमाल कम करना चाहती है, गवर्नमेंट तंबाकू का इस्तेमाल कम करना चाहती है, इन सब चीजों का जिनका कंजम्पशन कम करना चाहती है वो क्या होगा, एक्साइजेबल। तो ये जब ये चल रहा था तो लगा कि हम एक्साइजेबल गुड्स पे करेंगे। ठीक है, कब तक ये जारी रहा कि एक्साइजेबल पे रहा, 1981 तक एक्साइजेबल पे लगता रहा। इसके बाद चीजें दो तरह की हो सकती हैं, एक्साइजेबल नॉन एक्साइजेबल। बंदे दो तरह के हो सकते हैं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। पूरे पाकिस्तान में दो तरह के लोग हो सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। इसी तरह उन्होंने फिर कहा कि एक्साइजेबल और नॉन एक्साइजेबल दोनों पे लगा दिया 1981 से। ठीक है जी, और फिर क्या हुआ
यकदम सारे का सारा कानून 1990 में बना दिया गया सेल टैक्स एक्ट 1990, और सेल टैक्स एक्ट 1990 आज की डेट तक, इसकी पैदाइश की डेट मैंने आपको बता दी है, आपकी बैच शुरू होने वाला महीना साल 1990 और आपके बैच शुरू होने वाले महीने के आसपास तारीख। फिर हुआ क्या कि जब ये जब इसकी पैदाइश हुई तो उसका नाम क्या रखा गया, उस वक्त नाम क्या रखा गया था इसका? जी कोई स्टूडेंट बता सके? नहीं, नाम क्या रखा गया था? देखो उस वक्त जो अदारा था जो कि टैक्स कलेक्शन की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई थी, इस तरह इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जब हम FBR को पढ़ेंगे तो FBR के बाप को पढ़ लेंगे कि कौन था इसका जिससे इसकी पैदाइश हुई। अभी हम पढ़ रहे हैं सेल टैक्स एक्ट। तो जब ये पैदाइश हुई इसकी, जिसका नाम रखा गया सेल्स टैक्स अमेंडमेंट एक्ट। आप इसको ना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, या अमेंडेड है या अमेंडमेंट है, ठीक है? तो ये जो मैंने पेरेंथेसिस के अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर जो दिखा, इसको आप वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है? 1990। लेकिन कब इसका नाम सेल टैक्स एक्ट 1990 रखा गया, पेपर में आ गया, ये बताओ जी, किस ईयर में? 95 में, 96 में, 91 में, 92 में? बारीकी में जाते हैं ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम सिलेक्ट हो, पेपर जैसा भी आए मैं करूं, पेपर को जैसा भी बनाए इंशाल्लाह मैं करके आ दूं। तो बताओ फिर क्वेश्चन 91। हाँ तो 91 सही है कि 91 में इसका नाम खत्म करके सेल टैक्स एक्ट रख दिया गया, और जो आज की डेट 26/11/2021 तक कंटिन्यू चल रहा है ऐसे। मुख्तलिफ हर साल कई अमेंडमेंट्स आती हैं, गर्म हो गया ये, चल रहा है ना? हाँ, तो ये अब तक जो है ये चला जा रहा है, और इसी के थ्रू सेल टैक्स इकट्ठा हो रहा है, गवर्नमेंट मजे कर रही है। तो इस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि इनको समझ ही कोई नहीं, जिस तरह मजे क्या करने हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो जी ये मैंने बता दिया आपको। तो अब हम फॉर्मली जो है ना सेक्शन एक से आगाज कर लेते हैं। हिस्टोरिकली हमने इसको देख लिया, इसके अंदर क्या है वो देख लिया, और अब हम क्या आगाज ना करते हैं कि सेल टैक्स किस किस चीज पे लगता है। आप सब पेपर में पूछ लेते हैं, जी मुझे ये बताओ, पेपर में सॉरी, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आप बताएं कि सेल टैक्स किस पे लगता है, बताओ जी। जब वो पूछेगा ना आपने सर, आई बिलीव अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज एप्लीकेबल ऑन 5 things: 1 इम्पोर्ट, 2 एक्सपोर्ट, 3 मैन्युफैक्चर, 4 प्रोडक्शन, 5 सप्लाई या सेल्स। बिलीव इन मी, हो नहीं सकता कि आपको वो रिकमेंड ना करें। अर्लियर यू आर सेइंग दैट अ लेमैन आंसर, नाउ यू आर आंसरिंग लाइक अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो चाहिए उसे बंदा जो कि मेहनत करके सामने आया हो, और उनको कुछ नहीं चाहिए। जब ये आप 5 चीजें बताओगे वो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, फिर उनको पता चल गया होगा कि हमारी जो स्ट्रगल है, जो हम एक इंस्पेक्टर जिसको बनाना चाह रहे हैं वो हमें मिल गया है। तब आप कहोगे ना सर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई या सेल, ठीक है जी। मे बी वो कहे कि सर आप कोई क्वेश्चन पूछ लें, दूसरे को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और दुआ करके जाइएगा कि उसके मुंह में वही क्वेश्चन आए जो कि आपको आता हो, ठीक है? ये बड़ा होता है कि आपकी जिस चीज पे कमांड हो अगर वही चीज पूछ ली जाए तो अगला बंदा बड़ा सेटिस्फाई होता है। अगर आपसे यही चीज पूछ ली जाए अभी, जब आप ये
प्रिसाइज करेक्ट एलैबोरेटिव हर तरह का यही आंसर आप दे देंगे वो तो यू मस्ट बी हैप्पी। जो स्टूडेंट है उसको हमने कहा था तैयारी करके आना इंटरव्यू के लिए, प्रिपेयर करके आओ क्योंकि हम आपके लिए इस्लामाबाद से आ रहे हैं लाहौर और पैनल बना के आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए, आप मुंह उठा के चले जाएं वो अनाइट ही होंगे और आप तैयारी करके जाएं तो वो हैप्पी होंगे। चलें तो ये सेल टैक्स लगता किस पे है, 5 चीजों पे। ठीक है जी, आज ये सेक्शन 1 से स्टार्ट होने से पहले प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, सेक्शन 1 से भी पहले ऊपर लिखा होगा ये जहां से मैं आपको उठा के बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये कहां तक एक्सटेंड होता है, ये कहां कहां पे ये लगा हुआ है, होल ऑफ द पाकिस्तान। अभी होल ऑफ द पाकिस्तान देखना हो कि होल ऑफ द पाकिस्तान क्या है तो आप क्या बताओगे, ये है जी आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर डिफाइन है कि होल ऑफ पाकिस्तान क्या है। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान को मैंने पढ़ना है कि पाकिस्तान क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को उठाए, उसका आर्टिकल 1 पढ़े, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है, कौन सी टेरिटरीज जो पाकिस्तान के अंदर है कौन सी नहीं। सही, अब हम ना जो जो सेक्शन 2 है ना वो डील करता है डेफिनेशन के साथ, किसके साथ डील करता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी सेक्शन 2 डेफिनेशन से डील करता है, सेल टैक्स एक्ट 1990 का भी सेकंड जो डेफिनेशन क्लास इसे कहा जाता है उनको डील करता है, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का सेकंड सेक्शन जो है वो भी डेफिनेशंस को डील करता है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट का सेकंड सेक्शन भी डेफिनेशन को डील करता है। डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, हाँ जी स्टूडेंट है एडमिट किए, हाँ अच्छा मैं डेफिनेशन पढ़ाने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, जब आप मंडे को आए तो ये जो आप लोग साथ बैठे होंगे आपके पास जो मैंने 3-4 पेजेस की रिक्वेस्ट की है वो जरूर होने चाहिए, और वो पेजेस पे जो टाइटल लिखे हैं वो आपको याद भी होने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए, और आप चलते फिरते उसको अपने माइंड में रिवीजन करते रहें। लाइक आप बैठे हैं आप खुद ही स्टार्ट कर दें कि यार मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, खुद अपने साथ अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हैं खुद ही आंसर कर रहे हैं, सेक्शन 10 का पता नहीं चल रहा, जैसे ही हुआ सेक्शन 10 का पता नहीं चल रहा, ठीक है पेपर इज इन योर पॉकेट, ठीक है 10 भूल गए हो निकाल लो उसको देखो 10 क्या है, पेंसिल आपके पास हो उसको स्टार कर, लेड पेंसिल से कर लो, दोबारा पॉकेट में डाल दो, ठीक है पॉकेट में डाल लो दोबारा उसे, 11 की रिवीजन स्टार्ट कर दो, 12 की, 13 की, 14 की, और इसी तरह आप 76 की माइंड के अंदर रिवीजन करो, जो भूलते जाते हैं उनके ऊपर स्टार लगा दो, बाकी आपको याद हो चुके हैं स्टार वाले रह गए, अब नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर निकालो सिर्फ स्टार वाले याद कर, अगले दिन फिर रिवीजन करो अपने माइंड में बैठ के, आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन के साथ आपको फिर पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा भूल रहा है, कुछ चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, कुछ वो कुछ पता नहीं क्यों हो जाती हैं वो हो जाती हैं, तो जो हो गई हैं उनको तो साइड पे कर दो, जो नहीं हो रहे उन पे टाइम देना शुरू कर दो, तो इस तरह करके आप जब आए नेक्स्ट क्लास में आपको 13 के 13 शेड्यूल याद होने चाहिए, आपको 10 के 10 चैप्टर्स के टाइटल याद होने चाहिए, और आपको सेक्शन 76 सेल टैक्स एक्ट के सारे टाइटल याद होने चाहिए, ठीक है ये आप लोगों ने करके आना है। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन की तरफ, हाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बता देता हूँ, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो टैक्स की दो किस्में हैं। डायरेक्ट क्या है, जाहिद रसूल FBR का एम्प्लाई था, आई वॉज एम्प्लाई ऑफ द FBR,
और स्टिल मेरी जो मैं जब FBR को छोड़ा तो मैंने 2 साल की दी थी, उसको क्या कहते हैं, व्हाटएवर लियन, तो 2 साल का लियन लेके निकला था मैं, और वो मेरा लियन एक्सपायर होगा 14 फरवरी 2022। तो अप टिल नाउ इफ आई वांट टू गो बैक टू द FBR आई कैन गो बैक। 2 साल का लियन लिया था मैंने जब मैंने छोड़ा था, लियन के साथ मुझे रिलीज किया जाए। ये जब गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो इतनी सर्विस होते हैं ना उनकी, तो उनको लियन ले सकते हैं। ऐसे होता है ना, आप किसी और अदारे में गए, दिल नहीं लगा तो वापस आ जाओ अपने पेरेंट अदारे में। मैंने भी कुछ इसी तरह किया था, मुझे तो बेहतर ऑप्शन मिला, उससे तगड़ा मिला, तो मैं अल्लाह हाफिज कह दिया मैंने। अच्छा, तो जाहिद रसूल FBR का एम्प्लाई, जाहिद की सैलरी है नहीं लेकिन सपोज हाइपोथेटिकली हम इसको खत्म कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो लिखना होगा वो लिख लिया होगा। इस मेरी सैलरी आप लोग क्या आपस में डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कस करना है, नोट करो मेरे साथ पहले यार। अच्छा, सैलरी जो है ना, जाहिद की सैलरी लेट्स सपोज के 1 लाख थी, लेकिन इस वक्त जो मेरे बैचमेट है वो उनकी ये है। आपको अगर कोई कोई और बताता है ना तो वो ठीक नहीं कह रहा, इसकी सैलरी इतनी है इतनी है इतनी है, दे ऑल आर स्पेकुलेटिव, दे आर नॉट इंस्पेक्टर्स ऑफ FBR आर के वो ऐसे ही। लेकिन इस वक्त जो मेरा बैच है वो ये दे रहा है, मेरा बैच मीन के 2018। क्यों इतनी ले रहा है, कोई 55,000 के लगभग अब उनकी होगी सैलरी, और सॉरी वो 28,000 कर दिया इन्होंने हाउस रेंट अनाउंस, HRA जिसे कहा जाता है, हायरिंग जिसे हम कहते हैं कि हायरिंग जो है, तो ये दोनों को मिला के अराउंड इतनी 85, ये है सैलरी इस वक्त इंस्पेक्टर की। तो आप लोग जाएंगे तो 6 महीने में आपकी 75 के जो कुछ अनाउंसेज होते हैं वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम मिलते हैं, जाते फौरन नहीं मिलते, तो टेस्ट होता है फिर आपकी सैलरी डबल होती है। तो हम भी गुजरे थे, आप लोग भी गुजरेंगे। अच्छा, मेरी लेट्स सपोज कि मेरी सैलरी ये है, 12 महीनों में मेरी सैलरी बन गई 12 लाख, ठीक है। 12 लाख के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को उठा के इसके शेड्यूल 1 में देखा गया कि इंडिविजुअल के सैलरी रेट्स क्या है। मान लो कि मेरा टैक्स बन गया 60,000 12 लाख के ऊपर, अब क्या होगा, AGPR है वो गवर्नमेंट के अदारों के जो एम्प्लाईज हैं उनको तनख्वाहें देता है, जब वो तनख्वाह दे रहा होगा ना तो 60,000 मेरा सालाना टैक्स है, इसको वो 12 पे डिवाइड कर लेगा और महाना 5,000 मेरी तनख्वाह के अंदर से काट के वो टैक्स में जमा करवाता जाएगा मेरे CNSC के अगेंस्ट। जो टैक्स किसी भी बंदे के शनाख्त के ऊपर जमा हो वो डायरेक्ट टैक्स। अगर आपको कोई भी पूछे आप कहें सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो के बंदे तो हाँ जिसपे लगा है वो खुद जमा करवा रहा है, वुड मीन कि मेरे शनाख्त, हालांकि AGPR मेरी तनख्वाह में से काट के मेरे नाम के ऊपर जमा करवा रहा है, कल को मैं क्लेम करूंगा कि मैंने ये टैक्स, ठीक है, यह डायरेक्ट डायरेक्ट की एग्जांपल एक मैंने आपको बता दी इनकम टैक्स। दूसरी एग्जांपल, आपका घर है कंटोनमेंट बोर्ड में है, लाहौर इस एरिया में है, कंटोनमेंट बोर्ड है तो कंटोनमेंट वाले देने आ जाते हैं, आप पे टैक्स लगा, आपके नाम पे जमा हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स। फिर और एक होता है CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, प्रॉपर्टी के सेल और परचेज भी होता है, वो भी उस बंदे के नाम पे जा रहा होता है, डायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैं जूस लेने गया बेकरी के ऊपर, क्या वो बेकरी वाला जूस वाला कहते हैं पहले CNSC दिखाओ फिर जूस लूंगा, ऐसे जूस दे देते हैं, लेकिन हर जूस के ऊपर टैक्स तो इकट्ठा कर लेते हैं,
टैक्स कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ टैक्स, मैं दे रहा हूँ, क्या मेरे नाम पे जमा होता है? ये क्या टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जिस पे लगा उसके नाम पे जमा नहीं हो रहा, ठीक है, उसके सीएनआईसी पे नहीं जा रहा, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए इसको जबरन ये बुरे वाला टैक्स है, ठीक है, कि ये अच्छा टैक्स नहीं है। ये फ्लैट टैक्स है कि चाहे कमाई जितनी भी हो टैक्स आपने एक हिसाब से देना, सबके लिए जूस उतने का ही है। इसलिए कहा जाता है जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट वाला का प्रोपोर्शन कम करो, इनकम वाले का बढ़ाओ, फिर थोड़े से हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर डिस्पैरिटी थोड़ी सी कम होगी, पैरिटी आएगी, पैरिटी मसावात आएगी, डिस्पैरिटी गैर मसावात, ठीक है, तो डिस्पैरिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट, अभी इनडायरेक्ट की एग्जाम्पल भी लेते जाओ, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बात पूरी हो गई। आज की क्लास में हम अब जो है आज का लास्ट जो डेफिनेशन है उसकी तरफ चले जाते हैं, कि डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर। अच्छा, एक्टिव टैक्स पेयर क्या होता है जी? जी अच्छा प्लीज, मैं ना अगर आपको कुछ चीज स्पेशली सम टाइम होगा ये वो प्रोवाइड किया करूंगा, तो इवन के कोई कैटेगरी स्टूडेंट की फी वापस नहीं करती, अगर कोई फी नहीं देता है ना तो होता है दैट इज नॉट रिफंडेबल, तो हमने कुछ स्टूडेंट की फी भी वापस की है। और मेरे जो पार्टनर था उन्होंने कहा आप ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, अगर मैं किसी स्टूडेंट को निकाल रहा हूँ तो मैं उसकी फीस दे के निकाल रहा हूँ उससे, और उसकी एक ही सिंगल रीजन थी और कोई नहीं, कि देयर इज ओनली वन ग्रुप जो कि हमने आपके लिए बताया, बाकी बहुत सारे ग्रुप हैं, आप अलग अलग जिस मर्जी ग्रुप को ज्वाइन करें, लेकिन ये स्टूडेंट निकाल के आप सेपरेट ग्रुप नहीं बनाए, ये वाला जो ग्रुप है इसमें से स्टूडेंट को निकाल के इनको इंड्यूस करके इनको तरकीब दे के आप क्या नहीं करेंगे, आप अपने तौर पे जो मर्जी करें, आप यहाँ चैट में किसी को लिंक शेयर नहीं करेंगे, अपने पर्सनली यू पीपल आर आजाद है, आप लोग जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ का लिंक कहीं और शेयर नहीं करेंगे। मैं आपको क्लास का लिंक शेयर कर, आप ये लिंक उठा के कहीं और नहीं देंगे, आप यहाँ पे लोगों को ये नहीं कहेंगे कि मैं ग्रुप बना रहा हूँ आप भी आ जाओ, आप अपने तौर पर कहीं और जाके गए, हम आपको नहीं कह रहे फेसबुक पे करें और व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन प्लीज अपना प्लेटफॉर्म यूज करें, ठीक है जी। हाँ, ये अगर ऐसा हुआ तो प्लीज हम आपसे अपोलोजाइज कर देंगे, आपकी मेहरबानी है, आप तगड़े हैं जी, हम साइड पे हो जाते, आप अपना काम करें, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, कि हम आप पे कोई वो नहीं कर रहे कि यार, हम आप पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको यूज नहीं करें, बाकी आपने कंबाइंड स्टडी करनी है, अगर आप इतनी अच्छे हैं जाएं जो स्टडी करने वाली जगह है, चाहे लाइब्रेरी लगाएं पूरा दिन वहाँ पे, वहाँ पे बड़े बड़े हीरे बंदे बन के निकलते हैं जो सही टाइम लगाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ वो होते सर हमने ये हो गया था इस वजह से, प्लीज़ हम पहले से आपको रिक्वेस्ट कर, डेफिनेशन है जी पहली एक्टिव टैक्स पेयर। मेरे भाई सबसे पहली बात जो है ना, एक्टिव टैक्स पेयर कौन होगा? जो टैक्स दे रहा होगा, सबसे पहले जो बारीक बात है इसको रजिस्टर होना चाहिए, पहली बात ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा, कौन होगा? ये रजिस्टर्ड पर्सन, हर बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, सेल टैक्स में वही होता है जो कि खुद आकर सेल टैक्स से जो
टैक्सेबल सप्लाईज है वो करना चाह रहा होता है, जीरो रेटेड सप्लाईज करना चाह रहा होता है। बेसिकली टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ही जीरो रेटेड भी शामिल होती है, सिर्फ रेट का फर्क है ना, है तो टैक्सेबल। तो पहली जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्टिव टैक्स पे होने में, वो आपकी रजिस्टर्ड पर्सन। हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो के नॉन एक्टिव नहीं है वो एक्टिव है, ये क्या बात हुई? हर रजिस्टर्ड पर्सन जो के नॉन एक्टिव नहीं है वो एक्टिव है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, उसने बता दिया कि कौन कौन नॉन एक्टिव है, उसने लिस्ट बना के ये नहीं बताया कि कौन कौन एक्टिव है। उसने कहा कि मैं आपको बता देता हूं कि नॉन एक्टिव कौन कौन है, तो नॉन एक्टिव उसने मैं बता दिया, तो जो नॉन एक्टिव में आ गया वो नॉन एक्टिव हो गए, जो नहीं आया वो सारे एक्टिव। तो अब हम पहले बंदे को नाम लेते हैं जो कि नॉन एक्टिव में सबसे टॉप में है, नॉन एक्टिव। मेरी बात याद रखिएगा, बात हो रही है रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन में वो बंदा जो कि नॉन एक्टिव नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नतीजा हासिल करके बता रहा हूं आपको कि ये इस तरह लिखा नहीं होगा, लेकिन मकसद यही होगा कि हर वो बंदा जो कि नॉन एक्टिव नहीं है वो एक्टिव है, और नॉन एक्टिव के अंदर कौन कौन शामिल है वो मैं आपको बता देता हूं। नॉन एक्टिव में कौन शामिल है जी? पहला जो कि ब्लैक लिस्टेड है, कौन है जी? ब्लैक लिस्टेड, नंबर वन। मैंने अपने इंस्पेक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितने मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पेक्टर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। हर बंदा सोच रहा होता है, एक्चुअली हम भी चाह रहे हैं कि हमारा भी मार्केट में नाम बने यार। और अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर डैट बैच मैं अक्सर कहता हूँ कि दो बड़े दोस्त के जाहिर से शुरू कराया, एक्सेप्ट के साथ में आईसीएम में भी है, यहाँ पढ़ाता था, और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ पे पढ़ाता था मैं। दो इंस्टीट्यूट थे जहाँ मैं पढ़ाता था, तो जो मेरी क्लास होती थी बीकॉम ऑनर्स की वहाँ पे वो जानते थे, या एशिया में जो 50-60 स्टूडेंट होते थे हर बैच में वो जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कलाथ, करदू, कोयटा, मटियारी, सिंध के सारे इलाके, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हम मेहनत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, और साथ में मॉनिटरी चीज़ें तो अटैच हैं, तो इसलिए और ज़्यादा फिर दिल करता है मेहनत करने में, जब अल्लाह ताला इतना ज़्यादा रिवार्ड दे रहे हो बंदा और मेहनत करके आता है, तो इसलिए हम फिर और मेहनत करते हैं। तो पहला वो बंदा ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड कौन होता है ये याद रखना, कल जब आप आओगे ना मंडे को मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा सेक्शन है जो ब्लैक लिस्टेड बंदे को डील करता है, आप मुझे फौरन बताओगे। 21 सेक्शन 21 डील करता है डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, तीन चीजों को डील कर रहा है सेक्शन 21। तो ऐसा बंदा जो ब्लैक लिस्टेड है, ऐसा बंदा जिस ब्लैक लिस्ट हो जाता है, जो फ्रॉडिया होने की वजह से उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन को ही ब्लैक कर दिया जाता है, ठीक है, ये सेल टैक्स वाली चीजें बेच नहीं सकता, ब्लैक लिस्टेड। या जिसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है, हाँ ये सिर्फ याद रखने के लिए, नॉन एक्टिव में कौन होगा? ऐसा बंदा जो कि ब्लैक लिस्टेड है वो नॉन एक्टिव है, ऐसा बंदा जिसकी सेल टैक्स सस्पेंड कर दिया गया है नॉन एक्टिव है। अभी नॉन एक्टिव और ब्लैक लिस्टेड को देखना हो कि ये कौन होते हैं, फिर सेक्शन 21 पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। तो ये वाला बंदा होगा ना, ये नॉन एक्टिव होगा। तो मैं आपको यही वो मैंने शुरू में बताया था कि मैं बताने जा रहा हूँ नॉन एक्टिव कौन कौन से, जो नॉन एक्टिव होंगे बाकी सारे एक्टिव होंगे। आप मुझे बताओ कि जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाता है उसने सेल टैक्स की रिटर्न जमा करवानी होती है, सेल टैक्स की रिटर्न किस सेक्शन में जमा होती है? किसने बताया? वेरी गुड, तो सेक्शन 26 में जाके सेल टैक्स की रिटर्न हर महीने जमा करवानी होती है। सेक्शन 26 कहता है हर महीने की 15 तारीख होगी
आप देखो ये कौन सा महीना है, नवंबर। नवंबर के टोटल दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं। नवंबर 1 से स्टार्ट हुआ 30 पे जाकर खत्म हो जाएगा। इस महीने की रिटर्न आपने 15/12/2021 तक जमा करवानी। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डेट मैं चेंज करूंगा, वो मैं डेट किस रीजन से चेंज करूंगा और आपको बता भी दूंगा कि ये वो वजह है। लेकिन अभी समझने के लिए कि यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि 15/12/2021 तक रिटर्न जमा करवानी है, हर महीने की रिटर्न जमा होनी है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो दो दफा कंसेक्टिव लगातार दिसंबर में भी, और अगली रिटर्न क्या होगी, अगला महीना क्या स्टार्ट होगा दिसंबर का, ये कम से लेकर 31 दिसंबर महीना हुआ, इसकी रिटर्न कब जमा होनी चाहिए, 15/1/2022 यहां तक जमा होनी चाहिए। ये इस महीने में भी 15 के बाद जमा करवाता है, ये अगले महीने में भी 15 के बाद जमा करवाता है, दो कंसेक्टिव ड्यू डेट के बाद जमा करवाया। फिर लिख लो, फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो दो लगातार, जिसे कंजेक्टिव कहा जाता है, रिटर्न्स ड्यू डेट के बाद जमा करवाता है, लेट जमा करवाता है, ऐसा बंदा नॉन एक्टिव हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो एक्टिव टैक्स पेयर से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर होगी या नहीं होगी, होगी है ना, बस फिर ठीक है, बात ही क्लियर करनी थी आपने। सर उसको फाइन नहीं होता, वो अभी टुडे करंटली वी आर डिस्कसिंग एक्टिव टैक्स पेयर, फिर सेक्शन 33 है जी, फिर पेनल्टियों को डील करना है। जब हम पेनल्टी को करेंगे उस वक्त हम देख लेंगे कि जो बंदा टाइम पे जमा करवानी चाहिए थी नहीं करवाता तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी। कंप्लायंस ऑफ लॉ जरूरी है, जो कंप्लायंस नहीं करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। इसको कहा गया था कि तुमने लॉ के मुताबिक सेक्शन 26 कह रहे हो 15 को जमा करवाओ, नहीं करवा रहा, लगेगी, लेकिन साथ में एक्टिव टैक्स पेयर का बेनिफिट भी चला जाएगा। आप आगे आगे पढ़ोगे ये, इसको बहुत से फाइन होने हैं। एक्टिव टैक्स पेयर पे नहीं होगा तो बड़े बड़े इसको ये बिल भी आएगा, तो बिल भी ज्यादा सेल टैक्स लग के आएगा। किसी से खरीदारी करेगा तो वो भी महंगा करके बेचेगा इसको, ये वो बात वाली बात है। अभी सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर को देख लेते हैं। तीसरा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है यार, देखो एक समझी सी बात, एस्टेब्लिश बात है, सेल टैक्स में वो रजिस्टर्ड होता है जो पहले इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो चुका हो, और पहले एनटीएन बनेगा तो एसटीआरएन बनेगा ना, नेशनल टैक्स नंबर बनेगा तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा ना। जब सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं वो एक लंबी लिस्ट कहते हैं ये लेके आओ, उनमें एक एनटीएन भी शामिल होता है। तो ये इसने इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसने गोशवारे नहीं जमा करवाने होते, जिसे रिटर्न कहा जाता है उर्दू में गोशवारे कहा जाता है, गोशवारे जमा करवाने करवाने। गोशवारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन में जमा होते हैं जी, गोशवारे जिनको इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं, कि रिटर्न जमा करवाओ जल्दी अखबार में आ रहा होता है एफडीआर 114। तो 114 में सालाना इनकम टैक्स की रिटर्न सालाना फाइल होती है, सेल टैक्स की रिटर्न महाना फाइल होती है। इसीलिए हम कंसल्टेंट कहते हैं कि सेल टैक्स की रिटर्न है जिसकी मिल गई उसकी तनख्वाह लग गई, और सालाना जब रिटर्न मिली तो वो हमारा बोनस लग गया, कंसल्टेंट यही कहते हैं। और जब किसी को नोटिस आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, कंसल्टेंट, एक सैलरी होती है, एक बोनस होता है और एक लॉटरी निकलती है। हम कहते हैं कि जब किसी क्लाइंट को नोटिस आया है तो कंसल्टेंट की लॉटरी निकल आई, लॉटरी क्या निकली, अभी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चलेंगी तो जिसकी प्रोसीडिंग चलेंगे वकील साहब पेश होंगे, तो जब हम वकील साहब पेश होंगे तो बगैर पैसे के तो पेश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फिर महाना सैलरी सेल टैक्स वाली, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होना बोनस, और नोटिस आ जाना लॉटरी। बड़ी चीजें निकलती है, यकीन मानो कि जब आप किसी को मिसाल के तौर पर आप लोग बैठे होंगे इंस्पेक्टर बन के, आप किसी को टैक्स लगा देते हो 2 करोड़ रुपया,
उसका बंदा नहीं था 2 लाख भी, वो बोला तो पागल हो जाएगा, वो भागा भागा आया कंसल्टेंट के पास, सर जी ये क्यों हो गया, 2 करोड़ टैक्स लग गया, मेरे तो नींद नहीं आ रही, रखो इधर मैं कर लेता हूँ, हो जाएगा कोई मसला नहीं। क्योंकि आपको पता है कि मैं कानून को जानता हूँ, कानून की इंस्पेक्टर ने और असिस्टेंट कमिश्नर ने वायलेशन करके टैक्स लगाया, आप पढ़ते हो आपको पूरा पता चल जाता है कि मैंने इसको डिफेंड कर जाना है, ये मैंने वापस करवा देना है आर्डर, मैंने सेट असाइड करवा देना है जाके, फिर आप कहते बताओ भाई मैं तो करवा दूंगा, मेरे इलम की जो है वो फी क्या दोगे आप, वो देख सॉरी 2 करोड़ खत्म हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, चलो जी तुम 5 लाख देगा, ये लॉटरी नहीं निकली, आपको पता है कानून में नहीं लिखा हुआ है मैंने वापस करवा दिया, आपको अपने कानूनी नॉलेज की वजह से आप तगड़ी फी डिमांड कर सकते हैं। रिटर्नों का क्या मिलना था, 10,000 रुपया 15,000 रुपया, नोटिस का क्या मिला, इस तरह होते लॉटरी निकलती है। तो बात आती है, और ये प्रोफेशन यकीन करें आने वाले दिनों में बहुत बूम पे जाने वाला है, इसको टैक्स की हॉलम होगी, इसको अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत आगे जाएगा, अल्लाह करम करे। जिस तरह आप कम्युनिकेशन है आपके पास, आप जवाब दे सकते हैं, जवाब होता है अदब के साथ, ये नहीं कि आप गले पड़ जाएंगे मैं जवाब देता, नहीं तरीके के साथ, तो इसमें बहुत कुछ है, अल्लाह ना करे वर्स्ट का वर्स्ट इंस्पेक्टर नहीं भी बनते ना, तो आप इसको आप जितना आपको इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे समझ के प्रैक्टिस शुरू कर दोगे ना, इवन कि जिसने बीकॉम किया हुआ है वो भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले सकता है, और जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले ले वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इवन जिसने बीकॉम भी किया हुआ है या जिसने ग्रेजुएशन के अंदर टैक्सेशन को पढ़ा हुआ है वो बंदा भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकता है, और वो कमिश्नर साहब के आगे पेश हो सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं, ये पढ़ने के बाद आपकी फी पूरी इंशाल्लाह होगी, एक रिटर्न से आप लोग पूरा कर लेंगे, ठीक हो गया जी, अल्लाह करे आप इंस्पेक्टर बन जाए, लेकिन इसको इस नीयत से बढ़े कि मैंने समझना है, तो इंस्पेक्टर आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तीसरा जो था वो 114 सालाना रिटर्न, सालाना रिटर्न जमा करवाने की जो तारीख होती है वो लॉ के मुताबिक सितंबर की आखिरी डेट होती है हर साल, इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए। अब आप मुझे कहोगे इंडिविजुअल और एओपी क्या होता है, तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन डेट याद रखो, इसने लेट जमा करवाई, तो लेट जमा करवाई तो ये नॉन एक्टिव के फंदे में आ जाएगा, और नॉन एक्टिव के फंदे में आएगा तो एक्टिव तो नहीं हो पाई ये। अच्छा, कुछ कमाइयां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स किसी अजीब तरीके से लग रहा होता है, उसे हम कहते हैं फाइनल टैक्स, ठीक है, तो फाइनल टैक्स को हम पढ़ लेंगे, लेकिन जिसने फाइनल टैक्स के थ्रू इनकम कमाई होती है ना, उसने गोशवारे 114 में जमा नहीं करवाने होते, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट जमा होती है, क्या जमा होती है, स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट किस सेक्शन में जमा होती है, 115, तो या तो उसने 115 की स्टेटमेंट जमा करवानी होती है या 114 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है, दोनों में दोनों की डेट एक ही है, दोनों में से जो भी उस पर करना फर्ज था उसने टाइम पे नहीं किया वो नॉन एक्टिव, ठीक है। और 4 नंबर पे मैंने आपको शेड्यूल 11 का बताया था, सेल टैक्स में विदहोल्डिंग एजेंट बताया था ना, विदहोल्डिंग एजेंट जो होता है उसने इनकम टैक्स के अंदर एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी होती है कि मैंने फलां फलां से विदहोल्ड किया है और ये मैं एफडीआर को जमा करवा रहा हूँ, ये है उसकी स्टेटमेंट, इस सेक्शन में 165 में, तो ये एनुअल स्टेटमेंट उसने टाइम पे फाइल नहीं की, फिर भी क्या हो जाएगा, नॉन एक्टिव। जनाब ये 4 जो होंगे ये नॉन एक्टिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ये है एक्टिव टैक्स पेयर, बात समझ आ गई, ये 4 याद कर लो, ये नॉन एक्टिव है, बाकी सारे क्या है, एक्टिव। सो हम कंटिन्यूटी के साथ हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा, और आई बिलीव कि अगर इतना भी हजम हो जाए तो दैट इज सफिशिएंट, अगर आई हैव नो इशू आई कैन टीच फॉर फर्दर 2 या 3 आवर्स,
और मैंने एग्जीक्यूटिव बैच को ऐसे किया था कि 8 बजे पढ़ाना शुरू करता था और 12:30-12 तक मैं पढ़ाता रहता था, एक 10 से 15 मिनट की ब्रेक लेके। मेरा बैच नंबर 2 था, उनको मैंने एग्जीक्यूटिव बैच सैटरडे और संडे को पढ़ाया था। तो लेकिन अब मेरे ख्याल से कि ये रीजनेबल है कि हम 1 घंटा 40 मिनट पढ़ने के बाद अब डिसकंटिन्यू करें। और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट क्लास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू मे पुट फर्स्ट योर क्वेश्चन। जो बंदा रीजनेबल आता है 114 के तहत, वो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ना वेल स्टेटमेंट निकल रहा है, ऐसे ही है। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि वो बंदा रेट जमा करवाएगा वो स्टेटमेंट वो, हाँ ये समझ नहीं आई। कहीं मुझे लिंक एस्टेब्लिश करके दे। देखो 116(2) हर रेजिडेंट पर्सन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहता है कि वो वेल स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। यहाँ पे जो क्लास सी है सब सेक्शन 1 की सब क्लास, तो ये भी क्लास ही है, क्लास 1 है, डेफिनेशंस क्लास होती है। क्लास 1 एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर जो रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवाते 114, इनका क्वेश्चन है 116 का वेल स्टेटमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न उस वक्त तक जमा नहीं हो सकती जब तक आप वेल स्टेटमेंट फाइल ना कर चुके, ठीक है। तो उसने वेल स्टेटमेंट के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, जब मैं रिटर्न फाइल करता हूं वेल स्टेटमेंट सेक्शन 116 के अंदर वो मैंडेटरी होती है, वो फाइल होगी रिटर्न जमा होगी 114 की, वो फाइल नहीं होगी रिटर्न जमा नहीं होगी। तो अगर 114, तो सिंपल बात फिर वहीं पे आ गई कि अगर 114 लेट है आप एक्टिव टैक्स पे नहीं, ठीक है। इसकी भी कोई डेट होती है वेल स्टेटमेंट जमा करवाने, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इसका वो क्या रिटर्न जमा करवाने के साथ, तो रिटर्न जब जमा हो रही है तो उससे पहले। अब 2019-20-21 में एक ही फॉर्म बन गए, दोनों को कंबाइन कर दिया गया आईआरएस पोर्टल के ऊपर। प्रायर टू डैट ये अलहदा होता था, फॉर्म 114 का अलहदा होता था, 116 मीन वेल स्टेटमेंट, 114 मीन इनकम टैक्स रिटर्न। तो 116 जमा होती थी तो फिर आप इसको कर सकते थे, आप पहले 114 खोल लो सबमिट करो, वो करता नहीं था, वो कहता था प्लीज सबमिट वेल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116(2), ठीक है, तो इस तरह कह रहा होता। तो आई बिलीव आई हैव कम्युनिकेटेड द आंसर, हो गया जी। चले एनी अदर क्वेश्चन, एंड वाला पॉइंट आपने क्या कहा कि जो स्टेटमेंट जमा नहीं करवाएगा वो भी शामिल होगा नॉन एक्टिव, जो बंदा 115 फाइनल टैक्स रजीम होता है, फाइनल। अभी रजीम्स पे बेसिकली देयर थ्री टाइप्स ऑफ रजीम्स होती है टैक्स की, रजीम नॉर्मल, मेन, स्पेशल, स्पेशल फाइनल और फाइनल। फाइनल में ये होता है कि आपने जब कमाई की उस पे जो टैक्स कट गया वो आपकी कमाई पे फर्दर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन फर्दर करने की जरूरत नहीं, आप एक स्टेटमेंट फाइल करो, वो स्टेटमेंट है 115 की, 115 की स्टेटमेंट फाइल करो। अगर वो भी आप पे जरूरी था कि आप 115 की स्टेटमेंट कर लें, क्योंकि आपकी कमाई ऐसी है जो कि फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आती है, ठीक। तो फिर जनाब आपने वो टाइम पे नहीं की, लाइक उसकी डेट थी 30 नवंबर 2021, आपने नहीं किया, आपने लेट की, तो आप सेल टैक्स में भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे जी। और इधर से जी अपना नोट्स मिलेंगे जी, बिल्कुल जी, जो मैंने अपना वर्किंग की हुई है मैं वो आपको दे दूंगा जी आगे। सो डेट्स इट, वही इसमें एफईडी जो टैक्स एक्ट कोई टैक्स नहीं, उसकी बात नहीं है। देखो लॉ में तो आप भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, यू नोज बेटर देन मी, के जो लॉ में लिखा हुआ है हम वही बात कर सकते हैं,
जो नहीं लिखा हुआ हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, इंटरप्रेट कर सकते कि मैं मीनिंग ये जब एक्सरसाइज कितना आता करनी पे क्या बात ही नहीं आई उसका जिक्र ही नहीं किया। कल आप इंस्पेक्टर बन के जाके सजेशन जाके चीजें इवॉल्व कर सकते हो आप, ये भाव इसका वो टच ही नहीं हुआ, इसका क्या करें सोचें। सो दैट्स इट। एक क्वेश्चन आया है 165 रिपीट कर दें विद होल्डिंग। हां विद होल्डिंग स्टेटमेंट का मैं आपको बता रहा था, लाइक आप हैं लाइक सैफुला एम्प्लॉई है एजेड टेक्नोलॉजीज का, एजेड टेक्नोलॉजी हर सैलरी में इनकी इनका जो है ना वो टैक्स काट लेती है और अपने पास रख लेती है। तो जनाब को टैक्स काट के एफबीआर को जमा करवाएंगे, डेट्स गुड उन्होंने करवाना है, एक टाइम पीरियड है वो आपके रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ में रिटर्न भी जमा करवानी है। रिटर्न कौन सी स्टेटमेंट नाम है उसका 165 की स्टेटमेंट, वो यही है विद होल्डिंग स्टेटमेंट, कि उसमें बताया जाता है किस किस का कितना कितना टैक्स काटा, किस सेक्शन के अंदर जाके काटा, काटा मीन विद होल्ड किया। सेक्शन 149 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट कहता है कि हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब भी सैलरी देगा अगर वो एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल लिमिट में आ रही है और उस पर टैक्स बनता है तो तनख्वाह जनाब आप उसको तब देंगे जब उसमें से टैक्स काट लेंगे, ठीक है। तो उस टैक्स तो काट लिया, जमा भी करवा दिया, तो फिर उसकी वो जो एम्प्लॉयर है वो फिर स्टेटमेंट भी फाइल करेगा, वो है सेक्शन 165 की स्टेटमेंट। सो लास्ट है सर, विद होल्डिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कितनी सालाना सेल्स होनी चाहिए विद होल्डिंग? नहीं जी, नहीं जी, विद होल्डिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़नी है तो प्लीज आप शेड्यूल 11 को पढ़ लें, उसमें गवर्नमेंट के अदारे हैं, कुछ खास किस्म की कंपनियां हैं उनके गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल है वो प्रोविंशियल है वो लोकल है, ये भी तो खरीदारी कर रही होती है ना, मुख्तलिफ सर्विसेज और सप्लाईज लेते हैं कि नहीं लेते, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। तो जब ये अपने वेंडर को जो इनको बेच रहा है उसको पेमेंट करते हैं तो ये सेल टैक्स रोक लेते हैं, रोक लेते हैं मीन विद होल्ड कर लेते हैं, और विद होल्ड करके क्या करते हैं जी, तो ये विद होल्डिंग एजेंट बन जाते हैं। फर्दर आपने सारा पढ़ना है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू शेड्यूल 11 को आप सारा का सारा पढ़ लें। सर ये प्रैक्टिकली सिर्फ 165 सेक्शन की स्टेटमेंट को 115 में वो शो करवाते हैं, इसके लिए जो विद होल्डिंग की हुई है 165 के अंदर अंदर सेक्शन 165 के अंदर विद होल्डिंग सेक्शन 165 में नहीं होती, विद होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है सेक्शन 149 से, सेक्शन आई बिलीव 148 से स्टार्ट हो जाती है, 148 से लेकर 156 तक मुख्तलिफ तरीकों से विद होल्डिंग हो रही होती है। लाइक 149 क्या है, एम्प्लॉयर सैलरी देगा, सैलरी से अगर जो जो एम्प्लॉय है उस पर टैक्स बनता है तो उस टैक्स काट के रोक लेगा, विद होल्ड कर लेगा। 150 क्या कहता है, 150 कहता है सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 150 क्या कहता है कि शेयर होल्डर का पता है, शेयर होल्डर कौन होता है, जिसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते वो ओनर ऑफ द कंपनी होता है, कंपनी सालाना डिविडेंड देती है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स है या नहीं है, डिविडेंड कमाई है, कमाई के ऊपर डिविडेंड पे भी टैक्स है। तो जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो पे करते हुए जितना टैक्स बनता है 15% होता है कुछ कंपनीज का, कुछ का 10% होता है, कुछ खास कंपनीज है जैसे एनर्जी वाली है वो 7.5%, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एनर्जी वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो ताकि जब आप कमाई करोगे वहां से तो आप पर टैक्स का रेट हम कम कर देंगे। तो जब वो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिलने लगा तो कंपनी के 100 पे 100 आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर देगी, नहीं विद होल्डिंग, अगर 10% है तो विद होल्डिंग कर देगी, विद होल्डिंग करके एफपीआर को जमा करवा देगी। ये क्या उनका सेक्शन है 150 है नहीं रेलिवेंट, लेकिन आपको मैं बताता जा रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली क्लास है, नेक्स्ट में मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट सिलेबस पढ़ाऊंगा। आगे आ जाते हैं 151 सेक्शन 151, वो क्या कहता है, आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, मिसाल के तौर पे आपका 1,00,000 बैंक में पड़ा हुआ है, आपको इंटरेस्ट मिल गया 10,000, मिसाल के तौर पे 10,000 मिल गया
तो क्या आपका बैंक आपके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर देता है? नहीं, वो सेक्शन 151 में उसे कहा गया है कि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो कितना बनता है, ठीक है दस, सही। तो टैक्स जो है वो क्रेडिट ना करो, वो गवर्नमेंट को जमा करवाओ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इसके अकाउंट में कर दो। आप लोग बैंकर आप ऐसे नहीं कर रहे होते। 151, 152 क्या कहता है जी? ये 152